ये रियांश भैया की गर्लफ्रेंड है इशिता। देखा देखा ना बड़ी माँ, इस लड़की को आपने जिम्मेदारी दी थी रियांश की और उल्टा ये लड़की रियांश की लव मैरिज कराने पे लगी है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो सिमर, इस घर में अब सिर्फ अरेंज मैरिज होगी। तीन तीन लव मैरिजेस के नतीजे ऑलरेडी हम सब फैमिली भुगत चुके हैं, अब और नहीं। चाची जी, मुझे ना अरेंज मैरिज से प्रॉब्लम है ना लव मैरिज से। मैं आप किसी भी तरीके की शादी की वकालत नहीं कर रही। इनफैक्ट हमें इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए चाची जी कि शादी का कौन सा तरीका अपनाया जाए। मैटर तो बस ये करता है कि जो भी नया सदस्य इस घर से जुड़े, इस घर का हिस्सा बने, वो उसे पूरी तरीके से अपनाए और हम भी उसे अपने दिलों में जगह दें। और ऐसा इंसान, ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने की गारंटी तो ना अरेंज मैरिज में मिल सकती है ना लव मैरिज में। इसलिए कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है।